माता की। इनकलाब इनकलाब वंदे वंदे। आज यहाँ इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों आप सबको नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप? बढ़िया कि बहुत बढ़िया? 5 साल बीत गए। कैसे बीते 5 साल? अच्छे कि बहुत अच्छे? खूब काम किए जी 5 साल में। स्कूल अस्पताल बिजली पानी सीसीटीवी कैमरे स्ट्रीट लाइट्स बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा महिलाओं का बस में सफर फ्री खूब सारे काम किए। दिल्ली में अपने हर परिवार का बेटा बनके मैंने पिछले 5 साल में काम किया है। एक बड़े बेटे की क्या जिम्मेदारी होती है? एक बड़े बेटे की जिम्मेदारी होती है कि अगर बिजली का बिल आएगा तो बड़ा बेटा भरेगा। भरेगा कि नहीं भरेगा? तो आपके बिजली के बिल भर रहा हूं कि नहीं भर रहा मैं? जिस जिसके बिजली के बिल 0 आ रहे हैं जरा हाथ खड़े कर देना। क्या बात है, सबके ही 0 आ रहे हैं। फिर बड़े बेटे की जिम्मेदारी होती है कि पानी का बिल आएगा तो बड़ा बेटा भरेगा। आपके भर रहा हूं कि नहीं भर रहा पानी के बिल? जिस जिसके 0 बिल आ रहे हैं हाथ खड़े कर देना। फिर बड़े बेटे की जिम्मेदारी होती है जितने घर में छोटे बच्चे होते हैं सबकी अच्छी पढ़ाई का इंतजाम करना। आपके सबके बच्चों की अच्छी पढ़ाई का इंतजाम करा नहीं करा 5 साल में? दिल्ली के स्कूल ठीक करे नहीं करे? फिर बड़े बेटे की जिम्मेदारी होती है घर में कोई बीमार हो जाए तो उसके इलाज का इंतजाम करना। पिछले 5 साल में दिल्ली के अस्पताल ठीक करे, मोहल्ला क्लिनिक बनाए। फिर बड़े बेटे की जिम्मेदारी होती है माँ बाप को बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना। अपने दिल्ली में 40,000 से ज्यादा बुजुर्ग तीर्थ यात्रा करके आए हैं और इतने खुश हैं, इतने खुश हैं जो जो लोग तीर्थ यात्रा करके आए हैं। इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, इतनी दुआएं दे रहे हैं। भाई साहब 5 साल में 1 पैसा नहीं कमाया, दुआएं कमाई या आशीर्वाद कमाया आप लोगों का। तो आप लोगों की बस यात्रा फ्री कर दी, स्कूलों में शिक्षा फ्री कर दी, इलाज फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, बुजुर्गों की यात्रा फ्री कर दी। ये बीजेपी वाले मेरे को खूब गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल सब कुछ फ्री करता जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फ्री होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इनकी सरकार बनेगी तो ये सारा फ्री बंद कर देंगे, तो इनकी सरकार बनाई कौन रहा है? गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? और ये बीजेपी वाले कह रहे हैं आई लव यू टू। ये कह रहे हैं बीजेपी वाले 31 मार्च तक फ्री कर रखा है, उसके बाद केजरीवाल फ्री बंद कर देना कर देगा। इनको कह देना जब तक हमारा केजरीवाल मुख्यमंत्री है तब तक फ्री चलता रहेगा, तब तक फ्री बंद नहीं होगा। फ्री बिजली भी चलती रहेगी, पानी भी चलता रहेगा, शिक्षा भी चलती रहेगी, इलाज भी चलता रहेगा, यात्रा भी चलती रहेगी। महिलाओं की फ्री यात्रा के साथ साथ बसों में स्टूडेंट्स की यात्रा भी फ्री करेंगे। अब अपने को अगले 5 साल भी खूब काम करना है। दिल्ली को
दुनिया का नंबर वन शहर बनाना है। सबसे पहले तो दिल्ली को साफ करेंगे, बहुत गंदगी हो गई चारों तरफ, कूड़ा ही कूड़ा ही एमसीडी वालों ने बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन अब इनसे ही काम कराऊंगा मैं, चिंता मत करो, इन बीजेपी वालों से भी अगर सीधी उंगली से काम नहीं चलेगा टेढ़ी भी करेंगे। दिल्ली को साफ करना है, नहीं करना फिर यमुना जी को साफ करना है। आप में से कितने लोग गंगा नहा के आए हैं? ज्यादा लोग नहीं गए, चिंता ना करो, सबको मैं यमुना जी में डुबकी लगवा के लाऊंगा अगले चुनाव के पहले। मैं भी यमुना जी में डुबकी लगाऊंगा, आपके साथ चलूंगा, इतनी साफ कर देंगे यमुना जी को। उसके बाद जैसे बसों में हमने मार्शल लगाए, उससे महिलाओं की सुरक्षा काफी अच्छी हुई है बसों में, मेरे को कई महिलाओं ने आके बताया। उसी तरह से पूरी दिल्ली में हर मोहल्ले में हर कॉलोनी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी दिल्ली में मार्शल लगाए जाएंगे, ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो सके, आप लोगों की सुरक्षा हो सके। प्रदूषण कम करना है, पोल्यूशन बहुत हो गया, पोल्यूशन कम करना है, और बसें लेके आनी है, ट्रांसपोर्ट ठीक करना है। दिल्ली के कई इलाकों में, लगभग सारे इलाकों में अब पानी की पाइपलाइन बिछा दी, टूटी से पानी आने लग गया, टैंकर माफिया खत्म कर दिया। लेकिन अब कई जगह एक घंटे पानी आ रहा है, कई जगह आधे घंटे पानी आ रहा है, अब अपने को 24 घंटे पानी का इंतजाम करना है। सब जगह पानी तो आ गया, लेकिन 24 घंटे पानी आया करेगा, और साफ पानी आया करेगा, टूटी से साफ पानी आएगा। तो इस तरह से खूब सारे काम करने हैं अगले 5 साल के अंदर। पिछले 5 साल में भी जितने काम करे हम सब लोगों ने मिलके करे हैं, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके करे हैं, मैंने ही नहीं करे, मेरे से अकेले से कुछ नहीं होता। आप लोगों का समर्थन ना मिले तो मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं तो आप लोगों का समर्थन मिलता है तभी मैं कुछ कर पाता हूं। आपका दुआएं और आपका आशीर्वाद ही चाहिए बहन जी। आजकल अमित शाह जी खूब आ रहे हैं दिल्ली अभी, और इतना झूठ बोलते हैं अमित शाह जी, इतना झूठ। अभी थोड़े दिन पहले लाजपत नगर आए, जिस तेज से बोल रहे थे, हैं सीसीटीवी कैमरे वाला वो लाजपत नगर, लाजपत नगर में कहते हैं केजरीवाल ने कहा था सीसीटीवी कैमरे लगवाऊंगा, बोले मैं 2 दिन से दूरबीन लेके घूम रहा हूं, मेरे को एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लगे नहीं लगे सीसीटीवी कैमरे? भाई साहब वो जिस स्टेज से बोल रहे थे उसी स्टेज के ऊपर 3 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। वहां की आरडब्ल्यू वालों को इतना गुस्सा आया, आरडब्ल्यू वालों ने उनकी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग, उनके भाषण की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग उनको भेज दी, बोले अमित शाह जी थोड़ा सा ऊपर करके देख लेते तो आपको सीसीटीवी कैमरे दिखाई दे जाते। और इस बार ये सारे पार्टी वाले इकट्ठे हो गए। पहले दिल्ली में 3 पार्टियां होती थी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। इस बार देश की सारी पार्टियां ले आई है, इस बार बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, अकाली दल, ये सारे इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे हैं, और इनका एक ही मकसद है केजरीवाल को हराना। इनका एक ही मकसद है, सारे इकट्ठे हो गए, इनका एक ही मकसद है केजरीवाल को हराना। मैं कहता हूं मैं स्कूल ठीक करूंगा, ये कहते हैं हम केजरीवाल को हराएंगे। मैं कहता हूं मैं अस्पताल ठीक करूंगा, ये कहते हैं हम केजरीवाल को हराएंगे। ये सारे मिलके दिल्ली का विकास रोकना चाहते हैं, ये सारे मिलके आपके बेटे को हराना चाहते हैं इस बार। और इससे भी इनका काम नहीं चला, अब ये कह रहे हैं 200 एमपी लेके आएंगे, भाजपा के सारे मुख्यमंत्री आएंगे,
बड़े बड़े धुरंधर उतार दिए इन लोगों ने। गुजरात के मुख्यमंत्री आके प्रचार कर रहे हैं दिल्ली में, विजय रूपानी। हरियाणा के मुख्यमंत्री आके प्रचार कर रहे हैं, खट्टर साहब। आज सुबह से योगी आदित्यनाथ घूम रहे हैं दिल्ली की गली गली के अंदर। कमाल ही हो गया भाई साहब, कमाल ही हो गया इनका। पूरी दिल्ली के अंदर ये बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री मंत्री सारे घूम रहे हैं। अभी तीन दिन पहले विजय रूपानी जी एक कहीं गए सभा करने, स्टेज पे खड़े होके मेरे को गालियां देने लगे। जनता ने 5 मिनट सुना, 10 मिनट सुना, जनता से नीर आ गया। एक आदमी खड़ा होके बोला, विजय रूपानी जी ये बताओ गुजरात में आपके बिजली क्या रेट है? बोले 10 रुपए यूनिट। बोले जी हमारी दिल्ली में केजरीवाल ने फ्री कर रखी है। बोले आप गुजरात जाओ अपनी बिजली संभालो, हमको भाषण देने की जरूरत नहीं है। खट्टर साहब आए, वो भी खड़े होके मेरे को गालियां देने लगे। जनता से नीर आ गया। जनता खड़ी होके बोली, खट्टर साहब आपके हरियाणा में कितने घंटे बिजली आती है? बोले 10 घंटे। जनता बोली, जी केजरीवाल ने 24 घंटे बिजली कर रखी है हमारे दिल्ली में। आप हरियाणा जाओ और पहले अपनी बिजली संभालो, हमको भाषण देने की जरूरत नहीं है। आज योगी आदित्यनाथ आए, बोले दिल्ली के स्कूल खराब, दिल्ली के अस्पताल खराब, बीजेपी को वोट दो, हम दिल्ली के स्कूल अस्पताल यूपी जैसे कर देंगे। जनता बोली, जी माफ करो, आप अपना यूपी जाके संभालो, दिल्ली सही है, दिल्ली के अस्पताल स्कूल सही है। तो दोस्तों ये सारे के सारे उतर गए, इनका एक ही मकसद है किस तरह से केजरीवाल को हराया जाए। यहां पे अपने कुछ बीजेपी के कांग्रेस के लोग भी होंगे, उनसे मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं। मैंने पिछले 5 साल सबके लिए काम किया है। 5 साल पहले कुछ लोगों ने हमको वोट दिया, कुछ लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, कुछ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री बन गया तो मैं सबका मुख्यमंत्री बन गया। मैंने भेदभाव नहीं किया किसी में, बीजेपी का भी मुख्यमंत्री, कांग्रेस का भी मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी वालों का भी मुख्यमंत्री। मेरे पास बीजेपी वाला आया उसका भी काम करा, कांग्रेस वाला आया उसका भी काम करा। हमने स्कूल अच्छे करे, उसमें बीजेपी वालों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, कांग्रेस वालों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। हमने अस्पताल अच्छे करे, बीजेपी वालों का भी इलाज हो रहा है, कांग्रेस वालों का भी इलाज हो रहा है। सबके लिए काम करा हमने। तो आज मैं 2 शब्द अपील करना चाहता हूं बीजेपी और कांग्रेस के भाइयों से। मैं ये नहीं कह रहा आप अपनी पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी में आओ, अब अपनी पार्टी में रहो, लेकिन वोट सारे जने झाड़ू पे दे देना इस बार। आप पूछोगे क्यों? भाई साहब 5 साल पहले तक अपने सरकारी अस्पताल और स्कूलों का बुरा हाल था, 5 साल में हमने इनको ठीक कराया, बहुत मेहनत करके ठीक कराया, बहुत मेहनत करी हमने। अब अगर आपने दूसरी पार्टियों को वोट दे दिया तो ये अपने स्कूल अस्पताल फिर खराब हो जाएंगे। इसीलिए मेरी आप सबसे बीजेपी और कांग्रेस के भाइयों से निवेदन है, इस बार दिल्ली की तरक्की के लिए, मैं अपने लिए वोट नहीं मांग रहा, दिल्ली की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इस बार अपनी पार्टी भूल जाना, सारे जने झाड़ू पे वोट दे देना। और एक बात है, पिछले 5 साल मैं ही काम आया था आपके, जब आपके स्कूल के स्कूल वाले आपके बच्चों की फीस बढ़ा रहे थे, बीजेपी कांग्रेस वाले काम नहीं आए, केजरीवाल ने जाके आपकी फीस कम कराई थी।
पिछले 5 साल जब जब आपके घर में कोई बीमार हुआ, मैंने उनके इलाज का इंतजाम करा था आपका। बीजेपी कांग्रेस वाले सुध लेने नहीं आए थे। पिछले 5 साल केजरीवाल काम आया था, अगले 5 साल भी केजरीवाल ही काम आएगा आपके। बीजेपी कांग्रेस काम नहीं आने वाले। आप सब लोगों को, अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोग अब एक परिवार बन गए हम लोग। चाहे कोई बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सारे एक परिवार हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं और एक साथ मिलकर हम अपनी दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, अभी 3-4 दिन पहले मेरे को बड़ा दुख हुआ। बीजेपी के नेता कहते हैं केजरीवाल आतंकवादी है। दोस्तों, अपना तन मन धन अपनी पूरी जिंदगी मैंने देश के लिए कुर्बान कर रखी है। कभी अपने परिवार की नहीं सोची, मैंने कभी अपनी घर की नहीं सोची। 24 घंटे रात दिन देश के लिए लगा रहता हूं। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, तब तक तो क्या पता था, कोई सोचा भी नहीं था मुख्यमंत्री बनेंगे। इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के रिजाइन करके अन्ना जी के साथ हो लिया मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में। 2 बार भ्रष्टाचार के खिलाफ 2 बार अनशन करा। 15-15 दिन भूखे रहा। शुगर का मरीज हूं, दिन में 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं और कोई भी डॉक्टर बता देगा कि शुगर का मरीज जिसको इंसुलिन लगती है अगर 4 घंटे भूखे रह जाए वो जिंदा नहीं बचता। मैं 15 दिन भूखे रहा, 2 बार 15-15 दिन देश के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये ऊपर वाले का करिश्मा है कि आज जिंदा खड़ा हूं आपके सामने और ये लोग मेरे को आतंकवादी बोलते हैं। दोस्तों, बहुत दुख हुआ मेरे को। ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। दिल्ली की जनता तय कर ले कि वो मेरे को अपना बेटा मानती है कि आतंकवादी मानती है। अगर आप लोग मेरे को आतंकवादी मानते हो तो 8 तारीख को जाके कमल का बटन दबा देना, और अगर आप लोग मेरे को बेटा मानते हो तो 8 तारीख को जाके झाड़ू का बटन दबा देना। भारत माता की जय।